नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रैपिड टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं अर्चना। नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने दाखिल किया नामांकन, नंदीग्राम से लड़ेंगे चुनाव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। चुनाव प्रचार के लिए सिलीगुड़ी पहुंचे भाजपा केंद्रीय नेता कैलाश विजयवर्गीय। दो दिन पहले वाम फ्रंट छोड़ने वाले शंकर घोष ने भाजपा केंद्रीय नेता कैलाश विजयवर्गीय और सांसद राजू बिष्ट की मौजूदगी में थामा भाजपा का दामन। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले में आगामी 17 अप्रैल को होगा पांचवें चरण का मतदान। आज जलपाईगुड़ी जिला शासक और पुलिस कमिश्नर ने विभिन्न बूथों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा लोगों का समर्थन पाने के लिए नंदीग्राम घटना को ममता बनर्जी ने दिया हमला का रूप। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर किया कटाक्ष, कहा यदि सच में हमला हुआ होता तो ये दुनिया का ही 8वां अजूबा होता। वाम छोड़कर शंकर घोष के भाजपा में शामिल होने के बाद वाम नेता अशोक भट्टाचार्य ने किया तीखा हमला, कहा भाजपा में शामिल होते ही शंकर घोष का अब वाम फ्रंट से चैप्टर हुआ क्लोज्ड। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए हमले के आरोप में आज दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस ने निकाली मौन रैली। वाम छोड़कर भाजपा में शामिल होते ही शंकर घोष के बदले बोल, कहा वाम की नीति और अनुशासन छात्र और युवाओं की दे रही है बलि। चुनाव में खड़े हो सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं। आज सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा केंद्रीय नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कही ये बात। विभिन्न मांगों के समर्थन में उत्तर बंग चाय श्रमिक के तत्वाधान में पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, तराई डुवर्स महिला वेलफेयर सोसाइटी और डुवर्स युवा संगठन की तरफ से 5 तारीख को कालचीनी से निकाली गई पदयात्रा आज सिलीगुड़ी पहुंची। सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उत्तरबंग चाय श्रमिक के महासचिव ने सरकार के प्रति जताया रोष। जलपाईगुड़ी लॉ कॉलेज तृणमूल छात्र परिषद यूनिट की तरफ से ममता बनर्जी पर हुए हमले के प्रतिवाद में निकाली गई मौन रैली। एसएसबी के 41वीं बटालियन के जवानों की तरफ से महिलाओं को स्वनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 3 दिवसीय ब्यूटिशियन प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। शीतलकुची अंतर्गत बटतला इलाके में आज भाजपा कार्यकर्ता के घर के सामने से बम बरामद, इलाके में भय का हुआ माहौल, पुलिस ने शुरू की जांच। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए हमले के आरोप में खोरीबाड़ी में तृणमूल कांग्रेस ने निकाली मौन रैली। चोपड़ा में भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी पर कथा कथित हमले के प्रतिवाद में निकाली गई मौन रैली। रैपिड टाइम्स में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स।